बिच्छू बैठ रहा क्या आप? क्या और दो तेको एक आके? रुक जाओ रे, जाओ जरा सा आराम कर लो, जाओ पीठ सिद्धि करो तुम्हारी। उमा लेना वो, क्या होगा बात है कू, क्या होगा? क्या होगा बात है कू, क्या होगा? दादा जी से बहुत मारे मुझे। उमा लेना वो, मत बा, क्या हो सांबा चीचा, मैंने तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के गया था ना? अरे घड़े घड़े गांव के तरफ भाग रहा वो है, एक तो पहले गांव में पकड़ने वाले फिर रहे। अरे एक आदमी ने भर लिया ना थैले में उसको, अन सरकस में भेज डालेंगे तो बटना फिर। रो मत बा, रो मत, ए देख बा, मैंने देख बा तेरे वास्ते क्या लाया, गोलियां लाया, बिस्कुट लाया बा, ए ले खा। तो तुम काहे को इतना टेंशन ले रहे थे? अगर मेरे भाई को कोई पकड़ने वाले ने लेके गया तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेगा। क्यों मालूम? क्योंकि गब्बर के भाई को कोई बर्दाश्त कर सकता है तो खुद गब्बर। ए दादा कलाड़ी मार ना। देखे मिल गया सबूत। हाँ मेरे को मेरे माँ बाप की कसम, तुमको तो गैंग में भर्ती करके पछता रहा मैं। अरे भाई कल निकाल रहा हूँ तो अभी निकाल दे। निकाल देता अगर मुझे कोई फतरे पे बैठने वाला मिल जाता तो मैं ऐसा धक्का देता कि सीधा लुंडकते लुंडकते घर की दहलान के पास जाते, मालूम? चल जाता फिर मैं, अब बहुत शेर के ऊपर होगा, अब नहीं रुकूंगा मैं, जा रहा मैं। बटो भाई, अगर मैंने जरा सा गुस्से में कह दिया जरा सा सुन लिया करो, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे जैसा है ना हो। दादा अकाल दे सबको, सबको अकाल दे। तू मेरा भाई है क्या दुश्मन है रे? मेरे को अकेला करेगा क्या बात तू? दादा मुझे गोदी में लेके चल ना पहाड़ के ऊपर। मत ना बा, दम दम हो जाऊंगा ना बा मैं। नहीं नहीं मुझे लेके चल ना। मत रो बा, मत रो, चल बैठ। मैं कांधे पे नहीं बैठूंगा, मुझे गोदी में ले। चल बा। ओप ओप, अरे ओ सांबा चीचा, क्या भयान भपका आया हो, जरा सा गर्दन को तकलीफ दो और देखो पहाड़ के नीचे कुत्ता तो नहीं मरे ले। अरे कुत्ता काय को मरेगा, तेरे भाई के आंग में से आ रही ना बास। गब्बर के भाई के आंग में इतनी बुरी बास आ रही? अरे ओ कालिया, तेरे ओ कालिया, अरे ओ कालिया। क्या कह रहे सरदार? क्या रे ओ कालिया, तू तो कौन सा अड्डे पे खड्डे खोद रहा, तेरे को इतनी फुर्सत नहीं क्या गब्बर के भाई को नहला दे? अब क्या करूं सरदार, एक तो तुम्हारा भी ठंडे पानी को देख के भिमकाता। तो गरम पानी से नहलाना था ना हरामजादे? सुखे लकड़ा खलास हो गए सरदार। अरे तो गा कौन सा अपना जापान में है रे? जा वो सूरमा ब्यावली के वहां से सारे सुखे लकड़े लेके आ, जा। मेरे उससे जमती नहीं सरदार। तो सबसे मैं जमाते बैठू के रे? दो कौड़ी का कर दिए रे गब्बर को, मैं चले जाता जान दे। जा रे बैठ फतरे पे। क्या हो सुरमा दादा, हमने सुने गब्बर बहुत पाखंड कर रहा। अरे बहुत पाखंड कर रहा मगर उधर ही पहाड़ के अंदर, और बहुत वह तो मजबूर ठाकुर के साथ, मगर मेरे साथ करेगा तो बहुत मारूंगा। अरे क्या इससे पहले भी तुमने उसको मारे ले? अरे बहुत मारे ले, और एक बार नहीं कई बार मारे ले, कई बार मारे ले। अब एक दिन की बात है, आई गब्बर की माँ मेरे पास लगी रोने आकर ने, बोले सुरमा ब्यावली दादा मेरे को उधार लकड़ी दे दो ना। मैंने बोला देख बहन
देखो रहा ले लकड़ी, पर पैसे मेरे को टेम पे होना। लकड़िया लेके गई और 15 दिन तक मुंह नहीं बताया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया और मैं पहुंचा उसके घर को। मैंने कहा क्या हुआ, पैसे देने की नहीं आते है कि नहीं? तो लगे मुझे गब्बर की धमकी देने। तो मैंने उसके झिपोटे को पकड़ा। गब्बर सिंह तो माँ के? वो नहीं तो क्या, तेरी माँ के? तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैंने बोला शाम तक मेरे को पैसे होना। आया शाम को गब्बर मेरे कने, बोले सुरमा बेहवली दादा, तुमने मेरी माँ के जिबोटे पकड़ के अच्छा नहीं करे। मैंने बोला कुत्ते के मुसड़े के, तू कहा से रंगा के आया? और मारा मैं उसकी कान पट्टी पे, तो गिरा धड़ाम से तराजू पे। फिर क्या हुआ दादा? फिर मैंने उसकी गलची पकड़ा और बहुत मारा। फिर क्या हुआ दादा? अरे इतना मारा जो मेरी पीठ के पीछे चूट के कह रहा, सूरमा ब्यावली दादा मेरे को माफ कर दो। अरे हाँ बिल्कुल ऐसी कह रहा था। मैंने कहा कुत्ते का मुसड़े के पीठ के पीछे छुप के क्या कह रहा, जरा सामने आ। तो मैंने कहा गब्बर दादा तुमको तुम्हारे भाई की कसम मेरे को माफ कर दो। कुत्ते के मुसड़ो को दो भाइयों में झगड़े लगा रहे और मैं से भी झूठ पे झूठ बुलवा रहे। उठो जाओ, चलो निकलो।